जयपुर एयरपोर्ट पर 1 जून से नया बदलाव होने जा रहा है और अभी तक यहां से रात में फ्लाइट संचालित नहीं हो रही है, लेकिन 1 जून से रात के समय भी फ्लाइट चलने लगेंगी। जयपुर एयरपोर्ट पर और क्या बदलाव होने जा रहे हैं, इस विशेष रिपोर्ट में देखिए। जयपुर एयरपोर्ट पर चल रहा टैक्सी ट्रैक का निर्माण कार्य गुरुवार को पूरा हो जाएगा। अभी तक यहां रनवे की लंबाई 11,500 फीट है, लेकिन इसके समानांतर टैक्सी ट्रैक नहीं था, जिसके चलते जब विमान को टेक ऑफ करना होता है तो विमान को रनवे के अंतिम छोर तक रनवे पर ही चलकर जाना होता है, जिसमें 3 से 4 मिनट तक का समय लगता है और इस अवधि में रनवे का कोई उपयोग नहीं हो पाता। इस परेशानी को दूर करने के लिए यहां टैक्सी ट्रैक का निर्माण चल रहा है और 1 मार्च से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रनवे को बंद रखा जाता है, लेकिन अब टैक्सी ट्रैक का निर्माण तकरीबन पूरा कर लिया गया है, लिहाजा 1 जून से एयरपोर्ट रात में भी खुलेगा और अब यहां विमान रनवे के अंतिम छोर तक टैक्सी ट्रैक पर जा सकेंगे, जिससे प्रत्येक फ्लाइट के संचालन में 3 से 4 मिनट का समय बच सकेगा। इसके साथ ही यहां 1 जून से 6 नई फ्लाइट भी शुरू होने जा रही है। इनमें जयपुर से शाम 4:10 पर उदयपुर जाने वाली फ्लाइट, सुबह 9:20 पर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट, सुबह 4:00 बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट, रात 12:45 पर बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट, रात 10:25 पर चेन्नई जाने वाली फ्लाइट और रात 10:15 पर पुणे जाने वाली फ्लाइट शामिल हैं। इसके अलावा 31 मई तक रात में रनवे बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट का संचालन दिन में हो रहा है, लेकिन अब 1 जून से इन फ्लाइट्स का शेड्यूल भी बदल जाएगा। जिन 5 फ्लाइट्स का शेड्यूल बदलने जा रहा है उन पर भी नजर डाल लीजिए। जयपुर से शाम 6:30 पर उदयपुर जाने वाली फ्लाइट अब अहमदाबाद जाएगी। दोपहर 12:00 कुआलालंपुर जाने वाली फ्लाइट अब रात 10:50 पर रवाना होगी। जयपुर से सुबह 6:00 बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट रात 2:15 पर जाएगी। रात 9:45 पर बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट रात 11:15 पर रवाना होगी, तो सुबह 5:50 पर शारजाह जाने वाली फ्लाइट सुबह 5:05 पर रवाना होगी। कुल मिलाकर 1 जून से जहां जयपुर एयरपोर्ट पर विमानों के आवागमन में 3 से 4 मिनट के समय की बचत होगी, वहीं नई फ्लाइट मिलने से यात्रियों को रात में हवाई सफर की सुविधा भी बढ़ जाएगी। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।